वैशाली झील। यहाँ पे मैं कोई 4 साल बाद आया हूँ वापस, और आके तो मैं ये देख के हैरान रह गया हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त बना दिया इन्होंने ट्रैक। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये पहले जो बिल्कुल एक कच्ची रोड थी, ये वो ट्रैक था, और बिल्कुल एक सारी टूटी हुई रोड थी, और ये बिल्कुल झील के सेंटर में जो जाती है एंड तक, तो लाइक 2 लोग मुश्किल से गुजर सकते थे। तो अब तो आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ट्रैक है। आप मेरी ये पिक्चर देखें स्पेशली, फिर आपको पता लगेगा कि ये पहले कैसे थी, किस तरह की थी ये। नौ मुरब्बा के तवील रकबा पर फैली हुई उछाली झील वादी सोन में सियाहों का सबसे ज़्यादा पुरकशिश मुकाम है। इस झील पर हर साल 45 किस्म के आबी और दीगर परिंदे वस्ती एशिया और दीगर ठंडे इलाकों से 4,500 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आते हैं। इन आने वाले परिंदों में 4 किस्म के ऐसे भी परिंदे शामिल हैं जिनकी नस्ल आलमी सतह पर ख़त्म होने के करीब है। इनमें सफ़ेद सर वाली मुर्गा भी सरे फहरिस्त है। वादी सोन में पानी का सारा इन्हिसार बारिशों के पानी पर है, क्योंकि यहाँ से कोई दरिया या बरसाती नाला नहीं गुजरता, इसलिए बारिश का तमाम पानी झीलों की सूरत में जमा हो जाता है। ये झील वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और इसे 1996 में रामसर साइट भी नामजद किया गया है। ये एक बैन अलाक्वामी माहिदा है जो वेटलैंड्स के तहफ़ के बारे में ताउन की फरहमी और उनके वसाइल का इस्तेमाल है। इस झील पर कबेकी झील की तरह तमाम तर सहूलियात मुयसर नहीं, आप सिर्फ यहाँ पर कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। हिजरत करके आने वाले परिंदों में सफेद सर वाली मुर्गाबी, उकाब, गिद्ध, मुर्गाबी, फ्लेमिंगोज और अबाबील वगैरह शामिल हैं। वादी सोन में वाकया तीनों झीलें उछाली, खबेकी, झालर नमकीन पानी की झीलें हैं। एक सर्वे के मुताबिक हिजरत करके आने वाले 1 लाख से भी ज्यादा परिंदे रिकॉर्ड किए गए हैं। ये झील इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में भी शामिल है, इसी वजह से यहाँ शिकार पर ममानियत है।